अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट समरी। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे इन्फिनिटी स्कार्फ, जो कि बहुत ही आसान स्कार्फ है, बिगिनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं, बेस्ट प्रोजेक्ट है बिगिनर्स के लिए। ये स्कार्फ राउंड में होता है, गोल में। तो अब आज हम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे, डिटेल में बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चीजें चाहिए? ऊन चाहिए, कोई भी ऊन ले सकते हैं आप, जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, ठीक है। कैंची चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए नापने के लिए आपको, टेपेस्ट्री निडल चाहिए सुई सीने के लिए, और निटिंग निडल्स। अब ये सवाल आएगा कि हमारे पास इस नंबर की अगर सिलाइयां नहीं है और ऊन नहीं है, 3-ply ऊन नहीं है, तो हमें किस तरह से पता चले कि हम कितने फंदे कास्ट ऑन करें या किस तरह से करें? तो देखें, डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए गए होंगे कि हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस फॉर एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप फंदे किस तरह से कास्ट ऑन कर सकते हैं, जो ऊन और सिलाइयां आपके पास अवेलेबल हो उनसे, ठीक है। वो वीडियोस कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मस्ट देखिएगा, ये मुझे बहुत सवाल आता है और मैंने बनाई ही इसी हेल्प के लिए है, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि मेरे पास सेम निडल नहीं है तो मैं किस तरह से शुरू करूं, ठीक है, किस तरह से फंदे डालूं। क्योंकि हम डेफिनेटली फंदों का हमें पता चलेगा कि उससे क्या विड्थ मिल रही है, तभी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब इस स्कार्फ के लिए सबसे पहले हमने 30 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। आप वो मेथड फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी कि हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस फॉर एनी प्रोजेक्ट। उसमें आपको पता चलेगा कि आपके पास जो निडल है और ऊन है उससे आप किस तरह से कितने फंदे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30, अगर आपके पास सेम 5 mm की निडल है और ऊन है 3-ply, तो आप 30 स्टिचेस डालेंगे, 30 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। बहुत ही आसान सा ये मेथड है, बहुत ज्यादा। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोज रिसीव हो जाए। ये जो मेथड है यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कास्ट ऑन के लिए, ये मेथड, इस मेथड की वीडियो जो है ट्यूटोरियल डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप मेरी वीडियोस में आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू कास्ट ऑन बाय क्लीन निट्स। बट अगर आपको ये कास्ट ऑन नहीं आता, मुश्किल लगता है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आपको फंदे डालने का मेथड आता हो, कास्ट ऑन करने का मेथड आता हो, बाइंड ऑफ करने का मेथड आता हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रूल नहीं है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूं कि हम आसान से आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं आप को सिखाने के लिए, कोई इसमें रूल नहीं है। आपके पास कोई सिलाइयां हो, कोई ऊन हो, आपको कोई भी कास्ट ऑन सिलाई पे फंदे डालने का तरीका आता हो, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये करना है तो डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी हम 30 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 30 फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं। जब भी आप फंदे डालें सिलाई पे, तो आप उनको दो दफा जरूर काउंट कर लें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं तो स्टिचेस, फंदे, घर जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 30 स्टिचेस हमने यहाँ पे कास्ट ऑन कर लिए हैं, 30 फंदे, 30 स्टिचेस, 30 फंदे। अब रो 1 पहली सिलाई, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे, सारे फंदे स्टिचेस घर हम सीधे सीधे बुन लेंगे पहली सिलाई, रो 1।
यहाँ पे देखें, हमने रो वन कंप्लीट कर ली है पहली सिलाई। नाउ रिपीट रो वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। जितनी भी आपको स्कार्फ की लेंथ चाहिए आप यही एक सिलाई रिपीट करते जाएंगे, मतलब आपने हर सिलाई सीधी बुननी है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे गार्टर स्टिच कहते हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस स्कार्फ में। आप इसकी जगह पे कोई और डिजाइन भी लगा सकते हैं, कोई और स्टिच पैटर्न भी लगा सकते हैं। स्टिच पैटर्न के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए हैं और लोगों को स्टिच पैटर्न जो है वो मिल नहीं रहे थे, तो इसीलिए मैंने सेपरेटली जो है वो स्टिच पैटर्न का चैनल बनाया हुआ है। इसका लिंक वीडियो में होगा कि हाँ, स्टिच पैटर्न्स बाय क्लीड नेट्स नाम है उसका। आप वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको वहां पे डिफरेंट लेस, केबल, सिंपल, बहुत सारे जो है वो निटिंग डिजाइन मिल जाएंगी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो आप इस स्कार्फ पे कास्ट ऑन करने के बाद कोई भी डिजाइन और रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन निट एनी अदर स्टिच पैटर्न आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस फॉर दिस स्कार्फ, बट फॉर राइट नाउ कीप रिपीटिंग रो वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। लेट्स रिपीट फ्यू मोर टाइम्स जस्ट टू हेल्प बिगिनर्स। अभी मैं आपको एक दो दफा और यही सिलाई रिपीट करके बताऊंगी कि क्या शेप इसका आ रहा है बिगिनर्स के लिए, जो कि नया नया बुनाई सीख रहे हैं उनके लिए। तो हम दो तीन दफा और रिपीट कर लेते हैं। सारे फंदे सीधे बुनने, इस फंदे को सीधा फंदा हम कहते हैं, निट स्टिच जिसे कहते हैं, निट स्टिच, ठीक है। इसी तरह से हम सारे फंदे, सारी सिलाइयां सीधी सीधी बुनते जाएंगे। मैं एक दो आपको और बुन के दिखा रही हूं जस्ट ताकि आपको इसका शेप पता चले। अब यहाँ पे देखें, हमने एक ही सिलाई को फिर से रिपीट किया, मतलब फिर से सीधे फंदे, रॉन्ग साइड से भी सीधे फंदे सारे बुने और राइट साइड से भी सीधे फंदे बुने। ये राइट साइड है इसकी, ये इस तरह की जो चेन आपको दिख रही है वो राइट साइड, और ये इस तरह की जो लाइन दिख रही है ये रॉन्ग साइड है प्रोजेक्ट की। बट डिपेंड करता है जो पैटर्न आपको बोले वो फॉलो करें, ठीक है। अभी यहाँ पे ये राइट साइड है, तो देखें इस तरह का आपको शेप मिलता जाएगा, गार्टर स्टिच इसे कहते हैं हम, जो कि मैंने सेपरेट भी ये वीडियो सिखाई हुई है कि हाउ टू नेट गार्टर स्टिच। तो इसी तरह एक सिलाई रिपीट करते जाएं आप, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। देखें ना, बच्चे के लिए लेंथ अलग होती है, बड़े के लिए अलग होती है, फीमेल के लिए और मेल के लिए अलग होगी उसकी साइज के हिसाब से। तो आप इंच टेप से नाप भी सकते हैं इसको, राउंड में आप इंच टेप करके नाप सकते हैं कि किस तरह से जो है आपको कितनी जो है वो इसकी लेंथ चाहिए। जिस तरह मैंने पिक्चर्स भी दी हुई हैं कि किस तरह से हम इसको फोल्ड करते हैं राउंड में स्कार्फ को। अभी हम ये बुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे, नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा। अब यहाँ पे देखें, हमने जितनी लेंथ हमें चाहिए थी हमने वो सारी बुन ली है, ठीक है। मैं आपको अभी इस वीडियो में नाप के तो नहीं दिखा सकती क्योंकि स्कार्फ बहुत बड़ा है, बट मैं आपको बता रही हूं आपने जो फीमेल साइज के लिए बनाना है वो 65 से लेकर 70 इंचेस तक आपने बनाना है, ठीक है। 65 टू 70 इंचेस, क्योंकि देखें कुछ स्लिम होती हैं, कुछ हेल्दी होती हैं, तो उस हिसाब से आप बनाएंगे। दूसरा, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं कि भाई एक दफा बना के आपने उसको बंद कर लिया, पहन के देखा, अगर आपको टाइट लग रहा है तो आप खोल के थोड़ा सा उसको और बड़ा कर लें, अगर आपको छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है तो आप उसको खोल के थोड़ा सा छोटा कर लें। तो 65 से लेकर 70 इंचेस तक आपने बुन लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड से। देखिए ना, ये राइट साइड है, राइट साइड है प्रोजेक्ट की, राइट साइड से हमने, और इसका देखें ये शेप आता है। राइट साइड से हम क्या करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ के लिए, फंदे बंद करने के लिए,
बाइंड ऑफ मतलब फंदों को बंद करना। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको आता हो, आप किसी भी तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी मेथड टू बाइंड ऑफ स्टिचेस। मैंने दो तीन मेथड सिखाए हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये इजी वाला मेथड है जो कि हर कोई यूज करता होगा। दो तीन और भी मेथड है, वो भी आसान है। लूजली आपने बंद करनी है फंदे, ज्यादा टाइटली नहीं करने। इस तरह से बुनते जाएंगे और इसको इसके ऊपर से गुजारते जाएंगे। तो हम सारे फंदे राइट साइड से ये बंद कर लेते हैं। कि यहाँ पे हमने सारे स्टिचेस, सारे फंदे बंद कर दिए हैं, बाइंड ऑफ कर लिया है। अब ये वाले फंदे को हम ऊपर करेंगे और जिस तरह से हम धागे को सिक्योर करते हैं, बंद करते हैं, उसी तरह इसके बीच में से निकाल के इसको खींच लेंगे और धागा सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद धागा काट लेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कितना धागा है कि आप ये दोनों पार्ट जो हैं वो सी सकते हैं। इतना काफ़ी है? नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेविन कर देंगे, लेकिन सीने के लिए यहाँ पे अलग से धागा काटेंगे। ठीक है, सीने की टेक्निक आपको कोई भी आती हो आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से मिला सकते हैं। बट जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, मैंने सेपरेट इनकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि किस तरह से आप निटिंग सी सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं किस तरह से। अब देखें, ये इसके रॉन्ग जो हैं वो रॉन्ग साइड्स हैं। तो हमने क्या करना है, राइट साइड्स को मिलाना है। सीधी इसकी साइड, ये बैक साइड है। जब हम धागा मिलाते हैं तो वो बैक साइड पे छोड़ते हैं, वेविन बैक साइड पे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, यहां से राइट साइड प्रोजेक्ट की और यहां से भी राइट साइड प्रोजेक्ट की। ये टेक्निक मैंने डिटेल में सिखाई हुई है कि किस तरह से हम सीते हैं साइड्स, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अभी यहां पे हम क्या करेंगे, एक फंदा यहां से लेंगे, एक स्टिच, ये वी शेप की तरह जो आपको दिख रहा है, सॉरी अपोजिट का, ठीक है, इस तरफ वाले का एक फंदा, एक स्टिच। ये जो बिल्कुल आपने बाइंड ऑफ वाली लाइन देख रहे हैं ना, या कास्ट ऑन वाली ये लाइन, ये चेन देख रहे हैं, उसके बिल्कुल बराबर में हमने लेना है, सिलाई शुरू करनी है। ठीक है, इसको आप धागे को अंदर की तरफ कर रहे हैं क्योंकि बैक साइड पे इसका वेविन करेंगे हम बाद में। फिर एक आपने धागा यहां से लेना है, ये देख रहे हैं आप वी शेप की तरह, एक स्टिच यहां से, फिर से एक स्टिच यहां से, इसको स्टिच बोलते हैं। ये वी शेप की तरह आपको दिख रहा है, इसको यहां से लिया और फिर से एक फंदा यहां से, ये जो वी शेप की आप तरह आपको दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल बाइंड ऑफ और कास्ट ऑन वाली लाइन के बराबर है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बुनने के बाद आप इसको नीचे से यूं पकड़ के और खींचते जाएंगे। उससे ये होता है कि आप आगे चल के अगर खींचेंगे तो वो अटकता नहीं है, अटक सकता है अगर आपने बहुत यहाँ तक पहुँचने के बाद उसको खींचा तो अटक सकता है। तो इसी तरह हम मिलाते जाएंगे दोनों साइड्स को। बहुत टाइट नहीं करना, आपने नॉर्मल रखना है ग्रिप को। ठीक है, इसी तरह से आप मिलाते जाएंगे और उसके बाद इसको भी वेविन कर देंगे और ये जो धागा है इसको भी वेविन कर देंगे यहाँ पे बैक साइड पे। ये टेक्निक मैंने डिटेल में सिखाई हुई है, हाउ टू वेविन ऑन गार्टर स्टिच बाय क्लीड नेट्स, और हाउ टू वेविन बाय क्लीड नेट्स, हाउ टू बाइंड ऑफ बाय क्लीड नेट्स। आप कोई भी टेक्निक सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, आपको सारी मिल जाएंगी। अभी हम बंद कर लेते हैं इसको।
यहाँ पे देखें हमने सी लिया है इस पूरे पार्ट को, ज्वाइन कर लिया है, और ये देखें इसकी बैक साइड है। अब ये जो धागा बचा है आप उसको बैक साइड पे वेव इन कर देंगे। ये वेव इन है, रिबिंग वाला वेव इन है ये, रिबिंग रिबिंग वेव इन डिफरेंट होता है। देखिए हम डिफरेंट मुख्तलिफ डिजाइन बुनते हैं, स्टिचेस बुनते हैं, उसके हिसाब से फिर हमें बैक साइड पे धागा भी उसी हिसाब से जो है वो वेव इन करना होता है। अब गार्टर स्टिच का डिफरेंट है, रिबिंग का डिफरेंट है, तो अभी यहाँ पे आप इसको वेव इन कर लेंगे। ठीक है, ये मैं अब वेव इन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका शेप। यहाँ पे देखिए हमने गार्टर स्टिच पे वेविन कर लिया है, गार्टर स्टिच पे उसी तरह वेविन किया है जिस तरह गार्टर स्टिच था, ताकि नीटनेस आए, और रिबिंग पे उस तरह से वेविन किया है जिस तरह से रिबिंग है, ताकि नीटनेस आए। दूसरा ये कि जितना धागा आपके पास होगा आप उतना वेविन करेंगे। जैसे ये बड़ा था तो मैंने उसको डबल में किया, ये छोटा था तो यहाँ तक कर लिया, और यहाँ पे रॉन्ग साइड पे जितने भी धागे हैं वेविन करने होंगे हमने, वो रॉन्ग साइड पे ही करने। अब ये देखें ये राउंड में है, इसे कहते हैं हम इन्फिनिटीज का, ये बहुत ही स्ट्रेची होता है, आप इसको राउंड में पहनते हैं यूं करके। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर्स मैंने शुरू में भी दी हुई होंगी। ये देखें इस तरह से ये गले में इस तरह से आएगा, और आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट के लिए बना रहे हैं तो साइज डिफरेंट होगी, आप कम छोटा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।